राजा अकबर उनके सलाहकार बीरबल की हर बात मानते थे क्योंकि वे सभी से होशियार थे। एक बार अकबर के दरबार के कुछ लोगों ने बीरबल से जलकर कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि बीरबल बहुत होशियार हैं। ये 3 सवाल थे, पहला कि आकाश में कितने सितारे हैं, दूसरा कि धरती का केंद्र कहाँ है और तीसरा सवाल था कि दुनिया में कितनी औरतें और कितने आदमी हैं। दरबारियों ने शर्त रखी कि अगर बीरबल इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बीरबल ने भी कहा मंजूर है। पहले सवाल के जवाब में बीरबल एक भेड़ ले आए और दरबारियों से कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल है उतने ही आकाश में सितारे हैं, आप चाहे तो गिन सकते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने 2 लाइन खींची और उसमें लोहे की एक छड़ी डाल दी, फिर कहा यही धरती का केंद्र है, जिसे यकीन न हो वह नाप सकता है। और तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा यह सवाल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरे कुछ दरबारी मित्रों के बारे में कहना मुश्किल है कि वे औरत हैं या आदमी, अगर उन्हें मार दिया जाए तो इसका जवाब दिया जा सकता है। बीरबल के इन समझदारी भरे जवाबों को सुनकर सभी दरबारियों की आंखें नीचे हो गई और उन्होंने मान लिया कि बीरबल ही सबसे समझदार हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।